वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ साइंस की अम्लों की धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट जैसे हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारे धातु कार्बोनेट है। पहला हिस्सा धातु, दूसरा हिस्सा कार्बोनेट। CO3 समूह जो जुड़ा होता है इसे हम कार्बोनेट समूह कहते हैं, जो धातु है। तो धातु कार्बोनेट है या हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इनसे अम्लों की अभिक्रिया, क्योंकि हम अम्लोक्षारक पढ़ रहे हैं तो इनसे अम्ल की अभिक्रिया हम कराते हैं, तो HCl। तो समान रूप से हम देख पाए धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण CO2 व जल प्राप्त होते हैं। CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस परीक्षण भी कहते हैं। आप वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, उससे आप CO2 की जाँच भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट को HCl से अभिक्रिया कराया, ये हमारा क्या था सोडियम कार्बोनेट, ये HCl। अब हमें क्या बनना चाहिए, लवण व जल। अब यहाँ पे देखिए, ये सोडियम था, अब इसके साथ संगत लवण बनेगा, सोडियम धनायन क्लोरीन ऋणायन, संगत लवण यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ आपको, NaCl। तो ये धात्विक और अधात्विक संगत लवण बन गया। अब साथ में हमारा दूसरा अवयव क्या बनेगा, CO2 बन गया, और साथ में क्या बनेगा, जल H2O। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। CO2 गैस रूप में है, H2O लिक्विड रूप में है, और ये क्या है, विलयन में घुला हुआ है। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे सोडियम के हमारे दो परमाणु हैं तो Na के भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो, अर्थात यहाँ पे दो लगेगा क्योंकि NaCl का फॉर्मूला यही है। अब Cl एक है, इधर Cl क्या है, दो है, अर्थात हमें यहाँ पे भी क्या लगाना है, दो लगाना है। अब 2H2 बैलेंस हो गया, 2O 1O, तीनों एक सी, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो ये हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट से HCl की अभिक्रिया कराने पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, लवण, CO2 गैस व H2O प्राप्त हुआ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं धातु कार्बोनेट से। अब धातु कार्बोनेट से जब हमने HCl अम्ल की अभिक्रिया कराई तो उसी प्रकार सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, लवण, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, जल, H2O और CO2। आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं है। अब इसको बैलेंस करेंगे, 3O है, 2, 1, 3O बैलेंस है, एक सोडियम बैलेंस है। लेकिन हाँ देखिए, अगर यहाँ पे एक एच है और यहाँ पे हमारे 2H है, अर्थात हमें यहाँ पे कितने एच चाहिए, हमें 2H चाहिए। लेकिन देखिए, एक एच यहाँ पे है और एक एच यहाँ पे, तो एक एक 2H, तो ये भी हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो ये हमारी क्या थी, धातु कार्बोनेटों से अम्ल की अभिक्रिया। तो इस प्रकार आप इसे याद रखें कि धातु कार्बोनेट है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण, CO2 और जल बनेंगे। नेक्स्ट इसमें आइए हम देखते हैं कि इसी में था कि हमें प्राप्त जो CO2 है उसका परीक्षण किस प्रकार करेंगे, इसे CO2 परीक्षण भी कहते हैं। तो हम बुझे हुआ चूना या चूने का पानी जिसे बोलेंगे, बुझा हुआ चूना लेते हैं, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोला जाता है बुझा हुआ चूना अर्थात चूने का पानी। ये इसमें अगर हम CO2 गैस प्रवाहित करें, मीन जो गैस हमें यहाँ पे निकली उसे परख नाली द्वारा हमने बुझे हुए चूने में प्रवाहित किया, तो क्या होगा, ये CO2 गैस है तो बुझा हुआ चूना हमारा विलयन में विघटित हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का अवक्षेप देगा। अवक्षेप मीन वह तली में या सतह के ऊपर क्या हो जाएगा, ठोस रूप में एकत्र हो जाएगा, इसे हम अवक्षेप बोलते हैं। जो श्वेत अवक्षेप देगा तली में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप, और साथ में हमारा जल बनेगा, इसे कहा जाता है CO2 परीक्षण। अर्थात अगर हम बुझे हुए चूने के पानी में CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा, साथ में जल बनेगा। तो ये हमारा हो गया CO2 का परीक्षण, भी हम परीक्षण कर सकते हैं कि अभिक्रिया यही है कि नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अम्लों से अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड के साथ अगर हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, तो हमारा बनता है लवण व जल। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड में उसका पहला हिस्सा धातु होगा, दूसरा हिस्सा ऑक्साइड अर्थात ऑक्सीजन होगा। तो ऐसा हम ले सकते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो हम कह सकते हैं चूना पत्थर CaO, इसकी अभिक्रिया हमने कराई HCl से, तो लवण बनेगा, संगत लवण, धातु लवण बोलेंगे, धातु अधातु। तो CA चूंकि यहाँ पे O -2 से जुड़ा है तो, और ये क्लोरीन -1 है, तो C के साथ CaCl2 बनेगा, CaCl2 प्लस। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे Cl2 बना, अर्थात दो क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ पे हम दो लगाएंगे,
टू ए सी एल हो गया, साथ में हमारा एच टू और ये ओ और जल बन गया। तो यह था हमारा धातु ऑक्साइडों की अम्ल के साथ अभिक्रिया, लवण व जल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट अब हमारा आता है अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल तथा क्षारक या अम्ल तथा क्षार, इसे हम कहा उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इन अम्ल और क्षार को परस्पर अभिक्रिया कराने में ये दोनों क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं, अर्थात जल बना लेते हैं, लवण व जल। तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है क्षारक प्लस अम्ल, क्षारक प्लस अम्ल ये आपका बनाते हैं लवण व जल। जो लवण बनेगा वो संगत हमारे क्षारक और अम्ल से बनेगा और जल। तो आइए देखते हैं, कोई भी अम्ल और क्षार लेते हैं उनकी अभिक्रिया हम कराते हैं। जैसे हमने लिया NaOH, ये हमारा क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, और एक अम्ल लिया हमने HCl, देखिए HCl भी प्रबल अम्ल है। अब संगत लवण बनेगा, लवण में हम जानते हैं समानता, पहला हिस्सा धात्विक होता है, दूसरा हिस्सा अधात्विक होता है, ठीक है। तो अगर इस पर हम देख पाएँ तो क्लोरीन हमारा अधातु है, सोडियम धातु है, तो लवण क्या बन जाएगा NaCl। और समानता अधिकांश अभिक्रियाओं में आप 10th स्टैंडर्ड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लवण बनता है वो NaCl होता है, और साथ में जल बनेगा तो H2O। अब इसे आप बैलेंस करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे H के दो परमाणु हैं, यहाँ पे H का एक ही परमाणु है, यहाँ भी एक का H परमाणु है, तो एक और एक दो बैलेंस है, एक O है, एक O यहाँ भी है बैलेंस है, एक सोडियम बैलेंस है, एक क्लोरीन अर्थात बैलेंस अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और यही कारण होता है कि समानता अगर जब कोई जहरीला जीव जंतु आपको काटता है तो उसके अंदर क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, और हमारा रक्त क्या होता है, कुछ क्षारीय होता है, तो हमारे शरीर में जल का निर्माण होने लगता है और रक्त के थक्के बन जाते हैं, जिससे इंसान की मौत हो जाती है जहर के कारण, क्योंकि समानता जो जहर होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और रक्त क्या है, क्षारीय है। तो वहाँ पर अम्ल और क्षार की क्रिया होती है और आपका रक्त क्या में थक्के बन जाते हैं, और वह रक्त रक्त का जल उससे अलग हो जाता है। तो ये हमारी अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया हो गई। साथ में आप यहाँ एक चीज़ और याद रखें, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति तथा अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं, मीन उनका नेचर कैसा होता है, तो अधात्विक का अम्लीय प्रकृति होता है और धात्विक ऑक्साइड का क्षारीय प्रकृति होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है, क्षारीय प्रकृति क्या है कि, क्योंकि यह क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। और अगर हम बात करेंगे अधात्विक ऑक्साइड, तो अधात्विक ऑक्साइड हमारे क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। अधातु के ऑक्साइड में आप देख सकते हैं CO2, CO2 क्या है, अधातु का ऑक्साइड है, कार्बन हमारा अधातु है और ऑक्सीजन हमारा अक्रिय गैस है, तो अधातु का ऑक्साइड, इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय, अर्थात इनकी अभिक्रिया भी अगर हम कराते हैं तो हमें क्या बनता है, एक अम्ल, इनकी अभिक्रिया अगर कराते हैं तो हमें लवण प्लस जल बनता है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति है। अर्थात अगर हम धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो भी लवण तथा जल बनता है, जो दर्शाता है कि यह हमारा क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का, और यह होता है क्षारीय प्रकृति का। तो धातु ऑक्साइड व अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर भी हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसको भी याद रखें, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धातु ऑक्साइड हमारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं तथा अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कीप वॉचिंग, नमस्कार।